डर भी लग रहा है। गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। पूरे 3 महीने के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। अभी दोपहर के 3:30 बजे है और हम लोग अभी आहवा निकले हैं। डांग दरबार का मेला लगा है, आज से ही मेला स्टार्ट है। तो हम लोग कितने दिन से प्लान बना रहे थे कि जाएंगे, लेकिन धूप भी लग रही है, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाने का शौक चढ़ गया है। तो फिलअप भी हो गया है और यहाँ से अभी पलसाना हाईवे पे निकलते हैं। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ से हवा 100 के प्लस ही होगा, 100 प्लस ही होगा। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। नाइट में जाएंगे हम लोग मेले में। दिन में जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया। जैसे तैसे हम लोग अभी 2 ही लोग निकले हैं। हमारे साथ दूसरे फ्रेंड भी आने वाले थे लेकिन वो लोग की छुट्टी नहीं है तो वो लोग नहीं आ पाए। तो गाइस फाइनली NH-53 पे आ गए हैं और थोड़ा भगाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ऐसे तो नाइट में ही मेला है, दिन में आज ही उद्घाटन हो गया है। आज से 1 हफ्ता तक चलेगा डांग दरबार का मेला। तो देखते हैं क्या क्या, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग भी। जल्दी जल्दी निकलते हैं। स्पीड ब्रेकर भी इतने हैं भाई हाईवे पे। हाय 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 हाय, बहुत टाइम के बाद भागा रहा हूँ गाइस। देखते हैं कितना स्पीड पकड़ती है। फुल स्पीड, अरे भाई ये 4-wheel वाला आ गया बीच में। 125 तक गई थी। एक तो सर्विस नहीं किया, 3-4 महीने हो गए बाइक को, सर्विस कराने का टाइम भी आ गया है। लेकिन क्या करें भाई, आजकल बहुत कड़की चल रही है। तो भाई सही बोलूँ तो अभी 4 बजने वाले हैं दोपहर के, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। एक तो ऊपर से मैंने जैकेट भी पहन लिया है तो बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी लग रही है, लेकिन क्या ही करें। हम पहुँचे हैं पलसाना 4 रास्ता। अपने को बारडोली जाना है यहाँ से सीधा ही, और राइट में जा रहा है मुंबई और लेफ्ट में जा रहा है अहमदाबाद। और यहाँ से बारडोली 20 किलोमीटर है शायद। तो गाइस बारडोली आ गए, यहाँ से अभी राइट लेने का है अपने को। गला सूख गया, कुछ ठंडा वगैरह पीना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लिया है ठंडा, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गूगल बाबा। एक तो अभी सिंगल लाइन है, इतना ट्रैफिक ट्रैफिक मज़ा नहीं आएगा। 98 किलोमीटर है यहाँ से हवा, लग जाएंगे यार जाते जाते अंधेरा ना हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा स्पीड अप करके जाएंगे, थोड़ा देख के ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक इधर से कोई भी निकल आता है इधर से। सो गाइस सनोल अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और थोड़ा बहुत हरियाली आई है, देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और अभी लग रहा है कि थोड़ा मज़ा आ रहा है। अरे माँ की आँख, सूज लग गया था नीचे।
नवल 3 किलोमीटर है और वासदा 18 किलोमीटर है यहाँ से, और सूरज भी है ऊपर ही, अंधेरा तो नहीं पड़ेगा। टाइम क्या हुआ पता नहीं, देखना पड़ेगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है अकेले अकेले राइड पे भी गाइस, मज़ा तो लेना पड़ेगा, क्या करें अकेले है तो। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, मज़ा तो लेना पड़ेगा ब्रो। तो भाई कहाँ पे आ गए कुछ पता नहीं चल रहा है, ये शायद लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रहा है वो उन्हें जाता है, अपने को सीधा ही जाना है। थोड़ा रुकता है, गाड़ी वाले साइड नहीं दे रहे। तो वास्ता में आप हार्दिक स्वागत करे छे। अभी तो यदि इस साइड चलता हो गए 18 किलोमीटर, हवा हो गए 50 किलोमीटर। गाड़ी नहीं चलती, सर्विस करवाना पड़ेगा भाई, भक्ति भागती नहीं। देखिए 120, 120, 120, 120, 122। बस और नहीं जा सकती, इतने ही जाएगी, लेकिन मजे तो फुल पावर आ रहा है ब्रो। गाइस सभी रास्ता चेक करिए, क्या प्यारा रोड है। अभी थोड़ा भगा दे, मस्त मस्त रोड बने दिए भाई, एकदम लीन मारने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन स्पीड ब्रेकर रखा हुआ है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा ही ज़्यादा। अरे अरे अरे, अभी लग रहा है कि डांग में एंट्री हुई है, और मज़ा ही आ रहा है भाई ये नज़ारे देख के तो। क्या प्यारा व्यू आ रहा है, चेक करिए, सूखे सूखे पेड़ है फिर भी मज़ा ही अलग है, और रोड भी एकदम मक्खन मक्खन। तो गाइस वगैरह में एंटर हो गए हम लोग, और जो राइट साइड पे रोड जाए है डायरेक्ट सापुतारा जाएगा, अपने को हवा जाना है तो ये वाला रोड पे जाना पड़ेगा। 32 किलोमीटर है हवा यहाँ से, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा से ज़्यादा ही निकल जाएगा, पौने घंटा जितना लगेगा, क्योंकि अभी भाई रोड थोड़ा ख़राब है। सो गाइस देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और बीच में कितना प्यारा सा रोड है। अरे भाई भाई, थोड़ा रोड ख़राब है, रोड की कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब है। हाय 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 हाय, 6 किलोमीटर हवा, फटाफट चलते हैं, घाट वाला सेक्शन है, थोड़ा धीरे ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। एक तो 2 या 3 बार ही आया हूँ ये रोड पे, ये चेक करे क्या है भाई, लिंग मारे। ये चेक करें गाइस, काफी मजा आ रहा है लीन मारने में। साइट भी नहीं दे रहा है ट्रक वाला। ओ भाई ये मेहुल के दोस्तार, ये चेक करिए भाई, ओहो कितने सारे बंदर है, क्यूट क्यूट। लेकिन रुकने का टाइम नहीं हमारे पास,
तो गाइस शिव घाट आ गए हैं। मानसून में कितना प्यारा लगता है शिव घाट, ये चेक करिए, ये शिव घाट, हर हर महादेव। अभी तो पूरा सूख गया है। और इस साइड का नज़ारा चेक करिए, मस्त। सो गाइस हवा अभी पहुंचने ही वाले हैं, 1 या 2 किलोमीटर बाकी है और गाड़ी ने भी जवाब दे दिया है लग रहा है। फाइनली गाइस हवा में एंट्री होने हो गई भाई, हो गई। 6:30 बज गए होंगे। हवा नगर अपनों हार्दिक स्वागत करे से, थैंक यू। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड रुका है पेट्रोल पंप के पास। हो गए साहब, हो गए क्यों से आरुज ने हैं। सो गाइस फाइनली हवा में एंट्री हो गई है, देख सकते हो। और अंधेरा भी हो गया है। हैं हो गए हो एटीएम पूछू पढ़ेला हसेज क्या बजो। यहां से मेला स्टार्ट हो गया है, नाइट का व्यू आपको आज दिखाएंगे हम। फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट व्यू हवा। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नेहल भाई के ऑफिस में, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, फिर घूमने के लिए निकलेंगे। ताहे यहाँ थी लेफ्ट, ओके ब्रो, यहाँ थी बंद छे, यहाँ से पूरा मेन मेला तो चालू है, लेकिन अभी हम लोग फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, बाद में आएंगे। सो गाइस फाइनली स्नेहल भाई के ऑफिस पे आ गए हम लोग। ये रही ऑफिस, आज का डेरा हम लोग का इधर ही। I'm
ले लिए हैं, अभी हम लोग जाएंगे। गाइस फाइनली बैठ गए हम लोग झूले पे। कब से टिकट लिया, ये चेक करिए कितना मस्त नजारा है। अभी चालू नहीं किया, लौंडे लोग सब बिजी में है, बिजी फायर हो गया फायर। ये चेक करिए टॉप पे आ गए हम लोग, डर भी लग रहा है। हमारे साथ ये लौंडा नहीं एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि क्या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है भाई का, लड़की का चक्कर भाऊ भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। हाँ लड़की का चक्कर, हम तो सिंगल लौंडे हैं, मैं भी सिंगल ही हूँ। सिंगल चालू हो गया भाई, मजा नहीं ले रहा ये लौंडा, आया है तब से शांत शांत बैठा हुआ है, कब से मोबाइल में है। हाँ कब से मोबाइल में, लड़की का चक्कर, इसके गर्लफ्रेंड से बात करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, जब से आया ना तब से ये मोबाइल में ही लगा है। लास्ट वाली सीट पे बैठे हम लोग, मजा ले अच्छे बस। अच्छे से खड़े रहना, अच्छे से Woo!
वो खराब जवान है। बोल हमरा बोल बोल भाई चालू हो गया ब्रेक डांस। अरे माँ हम लोग चार ही और मेरा पूरा खाली खाली हो गया। अभी खेलना भाई का टाइम हो रहा है 12:30 और खाली खाली हो गया पूरा मेरा। अभी हम लोग भी यहाँ से रवाना होंगे, आराम करेंगे क्योंकि तबीयत बहुत ही हालत खराब हो गई ब्रेक डांस में बैठ के। इतनी उल्टी होने मेरे भाई ने तो कंट्रोल नहीं कर पाए, निकल ही दिया। मैं तो कंट्रोल कर लिया जैसे तैसे भाई। इधर भी है ब्रेक डांस, इधर भी चलते हैं। अभी नहीं बैठेंगे ब्रेक डांस, अभी नहीं बैठेगा। खाना खाने के बाद तो कभी नहीं। खाना तो अच्छा हुआ हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, नहीं तो लग जाती। बल्ले बल्ले